हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार पांडे। देखिए, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले कि जेईई मेंस एग्जाम क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में, आईआईटी में और एनआईटी में एडमिशन कैसे ले। तो देखिए, उसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले कि गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में हम एडमिशन कैसे लें। देखिए, बहुत सारे लड़कों को क्या होता है कि 12th के एग्जाम दे देते हैं और बाद में पूछते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है एनआईटी कॉलेज में, आईआईटी कॉलेज में, तो हम एडमिशन कैसे लें। तो देखिए, और फीस भी पूछते हैं। देखिए, ऐसे क्या होता है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो हमें पहले इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, यानी कहने का मतलब है कि जेईई मेंस का एग्जाम देना पड़ता है, एडवांस का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद हमें किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है। तो देखिए, उसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले कि जेईई मेंस एग्जाम कब होता है, उसका फॉर्म फिलअप कब होता है, उसमें कितना रैंक आएगा तो आपका किस कॉलेज में एडमिशन होगा, यानी आपका कौन कौन से एग्जाम देंगे तो आपको किस कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, आते हैं बोर्ड पे यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, जेई जेई मेंस यानी जेई का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखिए, जेई मेंस और एडवांस, देखिए क्या होता है, जेई मेंस के अंदर दो एग्जाम होते हैं, एक जेई मेंस होता है, एक जेई एडवांस होता है। तो पहले क्या होता है, सबको मेंस का पेपर देना पड़ता है। अगर हमें क्या होता है, पहले पहले मेंस का पेपर होता है, मेंस क्लियर करने के बाद एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं हम। तो देखिए, जेई मेंस एग्जाम देने से क्या फायदा हमें और एडवांस एग्जाम देने से क्या फायदा, तो आइए देखते हैं कि जेई मेंस अगर क्या हुआ है कि जेई मेंस हम क्लियर करते हैं, अगर जेई मेंस एग्जाम फर्स्ट स्टेज अगर क्लियर करते हैं तो हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, जेई मेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो हमें यहाँ पे एनआईटी कॉलेज मिलेगा, एनआईटी कॉलेज मिलेगा। अगर हमारे जेई मेंस एग्जाम क्लियर होता है तो एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIIT भी कॉलेज मिल सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है ये सारे, IIIT कॉलेज मिल सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CIFT, और CIFT भी कॉलेज मिल सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रली फाउंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। देखिए, मेंस अगर फर्स्ट स्टेप क्लियर करते हैं, यानी फर्स्ट एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो ये सब कॉलेज मिल सकते हैं आपको। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे लिए कॉलेज ये सही है तो आप ये वाला एग्जाम दे सकते हैं, ये कॉलेज ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि हमें इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोग ये जेई मेंस क्लियर होना चाहिए, जेई मेंस क्लियर होना चाहिए और प्लस में एडवांस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर जेई मेंस प्लस एग्जाम देते हैं, यहाँ पे एडवांस क्लियर करते हैं, तब हमें आईआईटी यानी इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज मिलेगा हमें, आईआईटी। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भारत का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है। यहाँ पे विदेशी कंपनी आती है बच्चों को हायर करने के लिए, अधिक से अधिक यानी करोड़ों के पैकेज पर ले जाती है आईआईटी वाले को स्टूडेंट के। तो देखिए क्या होता है, आईआईटी के क्या होता है, पर ईयर यानी 10-12 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, परंतु यहाँ पे 2 लाख ही सिलेक्ट हो पाते हैं, 2 लाख ही स्टूडेंट सिलेक्ट हो पाते हैं। क्या है कि देखिए क्या है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज पहले के है उतना ही है, और स्टूडेंट पर ईयर बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज तो बढ़ नहीं रहा है, इसलिए क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में लड़के एग्जाम दे रहे हैं, परंतु यहाँ एडमिशन बहुत कम लड़कों का हो रहा है। तो क्या है, सरकार आजकल क्या है कि और गवर्नमेंट कॉलेज बनवा नहीं रही है, इसलिए बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम यानी छात्रों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसका तैयारी करते हैं तब इसमें एडमिशन यानी आईआईटी कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए, आईआईटी कॉलेज बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज, आईआईटी बॉम्बे है, कानपुर, दिल्ली, मद्रास, आईआईटी मद्रास भी, यानी बहुत सारे जितने भी कुछ प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे पेपर में आते हैं, छात्रों ने क्या किया तो उसके बारे में ही इसी आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम आता है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग ये सारे एग्जाम के बारे में डिटेल में जान चुके हैं, तो देखिए पहले यानी एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग कौन कराता है इसका, कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ पे हमारा कॉलेज का लोकेशन कहाँ है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे जोसा ये काउंसलिंग कराता है, जोसा यानी काउंसलिंग कराता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ हमारा कॉलेज का लोकेशन कहाँ होगा, हमारे इतना नंबर है, हमारा इतना रैंक है तो कहाँ पे हमारा कॉलेज मिलेगा, तो ये जोसा काउंसलिंग करेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा तो बताएगा। तो देखिए, जोसा का फुल फॉर्म है ज्वाइंट सीट
एलोकेशन अथॉरिटी यानी ज्वाइंट सेट एलोकेशन अथॉरिटी द्वारा काउंसलिंग किया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा कि हाँ आपका कॉलेज का लोकेशन यहाँ है तो उसमें जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए जेई मेंस का फॉर्म कब फिलअप होता है यानी फॉर्म कब भराता है, फॉर्म कब आता है। देखिए क्या होता है, अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो जेई मेंस का फॉर्म जनवरी या फरवरी में आता है, उसमें भरा जाता है। इसका एग्जाम 2 महीने बाद होता है यानी जनवरी फरवरी में एग्जाम फॉर्म आएगा ये जेई जेई मेंस का, तो उसे भरते हैं यानी 1,250 रुपया लगता है। उसके बाद एग्जाम देते हैं, उसके 2 महीने बाद एग्जाम पड़ता है यानी अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये सब निकलता है तो हम एडमिशन ले लेते हैं। तो देखिए अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आया है तो कमेंट करके नीचे बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, ये क्या मिस्टेक है, क्या छूट गया, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि IIT वर्सेस, देखिए यहाँ पे IIT वर्सेस BTech। देखिए IIT वर्सेस BTech यानी IIT सबसे अच्छा है या NIT या BTech अच्छा है, तो देखिए अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IIT NIT वर्सेस BTech यानी कौन सा इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट माना जाता है या कौन सा इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है। तो देखिए अगले वीडियो के साथ अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम अगले वीडियो के साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉलेज लें, हम टेक्निकल के बारे में अच्छे से जानकारी लें। उसके बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो के साथ इसके हमारे ये टॉपिक रहेगा, इस पर मिलेंगे कि कौन अच्छा रहेगा। अगर आपको पता है कि इसमें से कौन बेस्ट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखिए अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए देखिए ऐसे जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पे बहुत सारे सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानकारी दिया जाता है या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी सारे वीडियो को दे दिए हैं। जितने भी वीडियो बनाए हैं हम उसको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, अच्छे से नॉलेज दिया गया है इन सब के बारे में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टच कीजिए या नीचे हमारा छोटा सा फोटो है उस पर टच कीजिए और जाकर देखिए हमारे पूरा वीडियो अच्छे से जानकारी के साथ देखिए और कैसे एडमिशन लें, क्या प्रोसेस है, सारे डिटेल में बताया गया। और कोई भी दिक्कत आता है कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद अगले वीडियो।